दरअसल आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा, तो बीजेपी नेता ने भी एनसीपी चीफ पर पलटवार किया। दरअसल शरद पवार ने गुरुवार 17 अगस्त को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा, मैं पुनः ये इन में फिर आऊंगा। एनसीपी चीफ ने आगे कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी ही बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कही थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लौटे, बल्कि एक निचले पद पर वापस आए। कोई सोच सकता है कि वह मोदी किस पद पर लौटेंगे। शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह एक ओर स्थिर सरकार देने की बात करती है, लेकिन राज्यों में विधिवत निर्वाचित सरकारों को गिरा देती है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अगले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और वह देश के नागरिकों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार का नाम लिए बिना फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली बार मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, और मैं देख सकता हूं कि उस बयान का डर अभी भी बरकरार है। कुछ लोग अभी भी भयभीत हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विभाजन का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैंने यहां कहा था कि मैं वापस आऊंगा तो लोग वास्तव में मुझे वापस ले आए, लेकिन कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया। जिन्होंने हमें धोखा दिया हम उनकी पार्टी को अपने साथ ले आए। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मेरे बीच ऐसा मेल है जिसे अपनी कार्यशैली के कारण कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। हम तीन एक साथ आए हैं। शरद पवार ने हाल ही में अपने भतीजे अजीत पवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें भी शुरू हो गई, लेकिन इसे लेकर विपक्षी गठबंधन एनडीए में भी हलचल मची है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा था कि मुंबई की बैठक में इस मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें, नाना पटोले ने कहा था कि शरद पवार को लेकर उनकी पार्टी में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारा आलाकमान एनडीए की बैठक के दौरान शरद पवार के साथ इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता है। विपक्षी गठबंधन एनडीए की अगली बैठक इस महीने के अंत में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली है। बैठक की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। इस बैठक को लेकर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा है कि सब लोग आ रहे हैं, हम उनकी मेजबानी का इंतजार कर रहे हैं, हम रोमांचित हैं।